मंडल की सारी टीम और सुंदरबनी कालाकोट के सभी मैं कार्यकर्ताओं का बधाई देता हूं। उन्होंने जो मेरे हक में वोटिंग करके प्रदेश तक भेजी और उन्होंने मेरे हक में प्रदेश की सारी टीम ने और नेशनल टीम ने मेरे हक में जो मैंडेट दिया, ये मैंडेट जो है ना ये मेरा नहीं, ये हमारे पन्ना प्रमुख का, ये शक्ति चंद्र का, ये बूथ प्रेसिडेंट का, ये मंडल की सारी टीम का है, ये जिला की सारी जो टीम है उसका है। और जो इलेक्शन लड़ना है, मैं आपसे बता दूं, आपको बता दूं कि जो इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन भी सारे मेरी जो सारे जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने लड़ना, सारे की सारी वो जो है कार्यकर्ता के ऊपर है, मैं भी उसमें एक फर्द हूं, लेकिन सारा का सारा जो काम करने वाले जो है लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की टीम। जी, जिस तरह से डेली विजिट की बहुत बड़ी मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए, क्या आपकी पार्टी इस पर आगे आने वाली जब सरकार बनती है तो क्या इस पर काम करेगी? देखिए अरुण जी, जितने भी फैसले सरकार ने किए हैं वो लोगों के हित के हैं, लोगों के हक के हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे मैं एसटी की बात करूं तो जो हमें रजौरी पुंछ के लोगों को एसटी दिया गया हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और नेशनल हाईवे 4 लेन सब कुछ जो कर रहे हैं। लेकिन रही बात डेली वेजर की, वो एक मुद्दा है, उसको भी गवर्नमेंट बनने के बाद जब हमारा चीफ मिनिस्टर बैठेगा मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जो फैसला उनके हक में फैसला। जी, बात करें जिस तरह से माइन वर्कर्स पिछले दिनों भूख हड़ताल पर बैठे थे, क्या उन पर लेकर आपकी सरकार कोई योजना बनाई है? लेकिन जब सरकार बनती है तो सरकार के उच्च अधिकारी जो है उनसे बात की जाएगी, हमारे अगर चीफ मिनिस्टर हमारे बनेंगे मुझे 100% गारंटी है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, कोई ना कोई हल जरूर करेगा। जिस तरह से आज जनसैलाब था आपकी इस रैली में, आज आप जैसे जम्मू से मैंडेट लेकर आप पहुंचे, क्या उपहार रहेगा अगर आपको ये जनसैलाब जीत कर कैबिनेट में भेजता है तो? देखिए, जो हमें कल शाम को लेट मैंडेट का पता हुआ, क्लियर हुआ, पहले मैंडेट मिला था उसके बाद लिस्ट पेंडिंग हो गई थी, जब कल शाम को हमारा मैंडेट हुआ तो लोगों में काफी जोश खरोश था, और आपने खुद देखा होगा कि सुंदरबनी में जो जितना कितनी जोर शोर से जो हमारी स्वागत की रैली हुई है वो सराहना करने जोगी है, वो हमारे वर्कों को सभी को मुबारक है। क्या उपहार रहेगा कालाकोट के लोगों के लिए अगर आप जीत कर यहाँ से एमएलए बनते हैं तो? मैंने लगभग 45 साल से मैं लोगों की सेवा में हूँ, और मेरा ये मानना है कि मैं ठीक तरीके से लोगों को साथ निभाऊंगा, लोगों के छोटे मोटे मसले मसाइल जो हल करूंगा, जो रोड्स जो पेंडिंग है, जो स्कूल की प्रॉब्लम है, जो हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्षेत्र तरक्की करे, उन्नति करे। खासकर मैं सुंदरबनी की बात करूँ तो सुंदरबनी की सबसे पहले जो सुंदरबनी वालों से बैठ के बात होगी, जैसे वो कहेंगे वैसे ही।